2500 लेकर के 3000 तक आदमी था, लेकिन रात में अंधेरा रात में पहचान करने के लिए किसी को नहीं सके। गांव चार पांच गांव मिला करके एकत्रित हो करके अचानक गांव में हम लोग का घुस गया आग लगाते हुए। अचानक आया, आते ही सबके साथ मारपीट किया। कितने घर जलाए वो लोग? लगभग 10 से 15 घर जलाए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। आज हम चर्चा करेंगे पूर्णिया के बायसी अनुमंडल अंतर्गत मझुआ गांव की, जहां 19 मई की रात एक घटना घटती है जो दिल दहलाने वाली घटना होती है। दो समुदायों के बीच में ये घटना होती है और कई ऐसे घर हैं जिनको जला दिया जाता है, जहां बच्चे को पीटा जाता है, महिलाओं के साथ में बदसलूकी की जाती है। और पूरी घटना जो अनुमंडल बायसी है उसके प्रशासन के नाक के नीचे घटित होती है। 19 मई के बाद आनन फानन में जो सारे राजनीतिक दल हैं सभी ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया। कई संगठन हैं उन्होंने भी जाके पूरे घटनास्थल पर इसका जायज़ा और मुआयना लिया। सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी इस घटना में जो भी शामिल हैं उस पर अविलंब कार्रवाई करने की बात कही और कार्रवाई हुई भी, प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हुआ। हालांकि जो पूर्णिया के SP हैं दयाशंकर, उन्होंने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो वहां के निवर्तमान थाना अध्यक्ष थे अमित कुमार, उसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। अब इस घटना को समझना होगा कि आखिर घटना क्यों घटी और इसके पीछे जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। हालांकि गिरफ्तारी 5 लोगों की हुई है, इसकी पुष्टि होती है, 3 FIR होता है। और जिस तरह रात में ये घटना घटित होती है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन के कई अधिकारी हैं उनके नाक के नीचे घटना घटती है और प्रशासन के जो लोग हैं वो मौन धारण किए होते हैं। मुआवजा दी जाती है, मुआवजा की राशि मिलती है, लेकिन इस घटना से ये इतनी बड़ी है कि पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर पूर्णिया पुलिस की भी थू हो रही है। हम आपको बारीकी से समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे घटना घटी, पूरा मामला क्या है और आखिरकार जो वर्तमान थाना अध्यक्ष थे उसको निलंबित कर दिया गया। जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका कहना होता है कि 19 मई के जो रात है जो घटना घट जाती है, इसके बाद जो वर्तमान थाना अध्यक्ष है वो ज्वाइन करते हैं और इसके बाद जो कार्रवाई होती है वो उनके द्वारा की जाती है। हालांकि जो पूर्णिया SP हैं, जो जिला पदाधिकारी हमेशा इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि जो कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक जो अमली जामा है वो पनहाया जाता है इस पूरे मामले में। लेकिन बड़ी कार्रवाई का अब भी इंतज़ार है। कई संगठनों ने भी खुल के विरोध किया है कि साहब आप किनको बचा रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल हैं, उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। इन सब के बीच आप जरा समझिए कि वो परिवार पे क्या बीत रहा होगा जब एक सेवानिवृत्त चौकीदार की हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा। और पूरे मामले में किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं वो क्यों नहीं पुलिस के हत्या चढ़ सका है। PDO क्या कर रहे थे, CO क्या कर रहे थे, SDPO क्या कर रहे थे, SDO क्या कर रहे थे, इनसे जवाब कौन पूछेगा। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए और उनके दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। जो घटना घटित हुई है, लोगों की मंशा क्या होगी। हम यहीं पे आपको छोड़ के जाते हैं और आपको उन लोगों का पीड़ा को समझाने का प्रयास करते हैं कि सुनिए, और जिला प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कैसी घटना पे आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। साहब मुआवजा दे देना एकमात्र इसका विकल्प नहीं है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे उस पर प्रशासन को चौकस रहना होगा। और ये जब पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्यों सोई हुई थी, प्रशासनिक अधिकारी क्यों सोए हुए थे, SDO क्या कर रहे थे, CO क्या कर रहे थे, एक सवाल है। कई हिंदूवादी नेताओं से भी बात हुई, कई संगठनों के नेताओं से बात हुई, कई वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी इस पे मानवता को कहीं ना कहीं संसार करने वाली घटना है।
लोगों की जान चली गई है, घरों में घुस के बदतमीजी की गई है। अब देखिए इस घटना में उप मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं, पुलिस मुख्यालय ने भी आदेश दिए कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जिसमें जिनकी भी संलिप्तता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कब तक, ये एक सवाल हम यहीं पर छोड़ के जाते हैं आपके बीच में, और इस पूरे घटनाक्रम को आप समझने का प्रयास कीजिए इन तस्वीरों और उनके बयानों के आधार पर। बीते 19 मई की रात जब पूरी बायसी सो रही थी, तभी एक भयावह षड्यंत्रकारी जग रहे थे और जघन्य हिंसा का ताना बाना बुन रहे थे। भीड़ ने महादलितों के घरों में आग लगा दी। इस दौरान एक महादलित चौकीदार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान कई महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। ये वारदात पूर्णिया के बायसी थाना के खपड़ा पंचायत अंतर्गत मझुआ गाँव में 19 मई को हुई थी। इसके बावजूद पुलिस की भूमिका इस मामले में संदिग्ध रही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट जाती है और पुलिस तमाशबीन बनी बैठी रहती है। अहम सवाल ये है कि क्या वाकई में इस कांड को लेकर पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी? अगर थी तो पुलिस किसे बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने के लिए अब तैयार बैठी है? अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कन्हैया राय। और ये जगह का नाम बताइए। ग्राम मझुआ पंचायत। ग्राम मझुआ है। पंचायत बताइए। पंचायत खपरा 14 वार्ड। बताइए कि ये जो घटना घटी है, आग लगी है, यहाँ मार लगी है और एक रिटायर्ड चौकीदार का मौत भी हो गई है। हाँ। ये घटना कब हुई और कैसे हुई? रात में 11 बजे। बीते रात आज कितने लोगों से आए थे? कम अज कम 2500 लेकर के 3000 तक आदमी था, लेकिन रात में अंधेरा रात में पहचान करने के लिए किसी को नहीं सके। हाँ। अच्छा, ये घटना जो हुआ इसके पीछे क्या वजह है, आखिर क्या वजह जो इतना आदमी आके यहाँ हमला किया? ये चार पांच गांव मिला करके एकत्रित हो करके अचानक गांव में हम लोग का घुस गया, आग लगाते हुए। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मार डांग किया और पैसा छिनदाई कर लिया और हाथ जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खोजे खोजे गया उसके पास। प्रशासन कितना समय बाद आया था आपको फोन सूचना देने के बाद? प्रशासन करीब करीब आधा घंटा या पौने घंटे के बाद आया। प्रशासन आगे एक्शन लिया? हाँ, एक्शन लिया, बुलाया कि जो कौन कौन पेशेंट को मार लगा है और उसको इलाज के लिए भेजिए। तो जाकर के इलाज कराए और जिसमें मेरा पर्ची प्रेजेंट है। अच्छा, कितने आदमी घायल हुए हैं? घायल एक तो ये है, एक लीला देवी, एक टुनाई राय और अजय जगदीश। लगभग कितने आदमी? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी रखे ना, 10 आदमी और बीमार है ना। हाँ, दशरथ को भी। आइए नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर। 19 मई की आधी रात को उपद्रवियों के द्वारा 13 महादलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं व बच्चों को पीटा गया। उसी रात सेवानिवृत्त चौकीदार को पीट पीट कर मार डाला गया। 13 पीड़ित परिवारों को 9,800 रुपए दिए गए हैं। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठन इस मामले में आगे आए। पीड़ित परिवारों को अन्य सरकारी लाभ दिया जा रहा है। सोमवार को एसपी दयाशंकर ने तत्काल प्रभाव से बायसी थाना अध्यक्ष अमित कुमार को निलंबित कर दिया है। 19/5/2021 को इस घटना के संज्ञान में आने के बाद लगातार मेरे द्वारा इस घटना पर नज़र रखा जा रहा है। घटना स्थल पर भी जाकर लोगों से बातचीत की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। घटना स्थल पर अभी पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है और पीड़ित परिवार से बात करके लगातार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। टोटल कितना FIR हुआ है और कितने लोगों पे? अभी तक टोटल 3 FIR हुआ है। एक मृतक के परिजन के द्वारा करवाया गया है और एक आगजनी की घटना से संबंधित FIR हुई और एक घायल चौकीदार के द्वारा वहाँ पर FIR करवाया गया है।
अभी तक कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। सर अभी तक वहां पे क्या कार्रवाई हुई है? वहां स्थायी पुलिस टिकट की अभी व्यवस्था की गई है और पीड़ित परिवार से संपर्क स्थापित करके लगातार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी को निलंबित किया है। एक कहावत यहां सही साबित होती दिख रही है, खेत खाए गधा और मार खाए। सत्ता की गर्माहट हर किसी को रास नहीं आती है, यही कुछ बाईसी के निवर्तमान थाना अध्यक्ष अमित कुमार के साथ भी वही हुआ। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी खपड़ा पंचायत के इसी मझुआ गांव में ऐसी ही घटना घटी थी, लेकिन तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के पहल व सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो वोट बैंक की राजनीति के कारण यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने मझुआ को जलाने में कोई कोताही नहीं बरती। क्या नाम है आपका? आपको जो यह मार लगी है कब लगी है? रात में। कौन मारा था आपको? इलियास रिज़्वी। क्यों मारा था आपको? रात में। किस चीज से मारा था आपको? चैन लेके, बांस लेके। कौन चैन? मोटरसाइकिल। अच्छा, क्या क्या वजह से, क्यों ऐसा मारा आपको? घर में सूत के रहे। और आप घर में सो के आपको पता भी नहीं था क्या हो रहा है और अचानक आके आपको मारने लगे? अचानक घर में कुटिया मार दिया। यहाँ के रहनुमाओं ने थाना अध्यक्ष को भी पूरी तरह से अपने ग्रिप में जकड़ लिया था, जिसके कारण इस घटना का जन्म लेना एक संकेत माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन यानी 19 मई को बाईसी थाना अध्यक्ष अमित कुमार अवकाश पर थे और सूत्र बताते हैं कि वो रात को घटना घटित होने के बाद प्रभार लिया था। तो बाईसी थाना अध्यक्ष के प्रभारी थाना अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर पुलिस किसको बचाने के लिए ये स्वांग रच रही है? उनका नाम क्या हुआ? आशा उर्मिला देवी। अच्छा, आशा उर्मिला देवी। आपको भी मार लगा है? कितना, कौन जिससे आपको मार लगा था, कौन जिससे मारा था आपको? तरवाल से मारा हमको, लट्ठी तरवाल। अच्छा, लट्ठी तरवाल से आपको मारा? पहले पेट में घोपने के लिए जा रहा था तो ऐसे आप पकड़ लिए तरवाल। जी। तरवाल पकड़ने के बाद वो जो घींचा तो उसी टाइम मेरा उंगली एकदम ये होने लगा था, हम गिर गए। जी। तब लट्ठी लेके खूब मारने लगा आपको लट्ठी से? हाँ सर, यहाँ तक चोट है ना, पैर तक। जी, बस बस, कपड़ा उठाइए। नहीं, बस बस, देखिए इसका भी फोटो लीजिए। बस बस, हाँ हाँ, यहाँ तक पूरे। ठीक है सर, बस मार लगा इनको। तब हम गिर गए वहाँ। जी। फिर भी नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, हमको मार के तब फिर वो निकल गया था। हम घिसल के एक तो जादव के पास गए, बगल में है जादव। जी। वही जाके लुकाए। अच्छा, वही हमको चंदा मार गया और लटके वही गिर गए। जी। तब मेरा लड़का आया उधर से ढूंढने के लिए, तो उठा के लेके गया गोलगांव डॉक्टर के पास। अच्छा, वहाँ से फिर हॉस्पिटल से सरकारी गाड़ी आया। जी। एम्बुलेंस आया था रात में? हाँ, आया था। अच्छा, जहाँ की आपको मतलब उपचारित के लिए बाईसी भेजा गया कि डगरवा? नहीं, बाईसी। बाईसी भेजा गया उपचार करने के लिए। पुलिस आखिरकार असली गुनाहगार तक पहुँचने से क्यों कतरा रही है? खपड़ा ही नहीं, बाईसी प्रखंड के बच्चे बच्चे को इस घटना की पृष्ठभूमि मालूम है। ये जो घटना हुई है, पीछे जो जला हुआ है, ये कब हुई और कैसे हुई? 19 तारीख को शाम को 11 बजे रात में आया वो लोग। आते ही अचानक आया, आते ही सबके साथ मारपीट किया। कितने घर जलाए वो लोग? लगभग 10 से 15 घर जलाया गया। 10 से 15 घर जला और इसमें मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया गया है, महिलाओं को बेइज्जत किया गया है, महिलाओं के साथ इज्जत के। अच्छा, ये मारने के दौरान कोई डेट वगैरह भी किया? हाँ, मारने के दौरान भूतपूर्व चौकीदार नेवाला राय का मृत्यु हो गया है। और घायल कितने लोग हुए हैं? घायल लगभग 10 से 15 के आसपास। मवेशी वगैरह भी मरे हैं? मवेशी वगैरह भी मरे हैं। कौन सा मवेशी? बकरी मरे हैं, सुअर भी मरा था जो कि राख हो गया। अच्छा, ये आप लोग की सूचना मिलने पर प्रशासन कितने देर में आए थे? सूचना मिलने के बाद लगभग आधा घंटा के बाद आए। तो प्रशासन का क्या कार्रवाई आप लोग के? प्रशासन का कार्रवाई, प्रशासन हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? मात्र 2 आदमी का गिरफ्तारी किया गया है। 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ था? कौन कौन आए थे रात में आपके मदद के लिए? SDO सर आए थे, DSP सर आए थे, उसके बाद BDO सर आए थे, CO सर आए थे।
और बाकी वरीय पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, हम लोगों को आश्वासन देते गए हैं। अच्छा, स्थानीय लोगों ने यहां तक बताया कि स्थानीय सत्ता के गलियारों से उठी चिंगारी ने मझुआ गांव को जला डाला, जिसके शह पर इस घटना की पटकथा लिखी गई। घटनाक्रम से उस किरदार को ही गायब कर दिया गया है। यहां पुलिस की क्या मजबूरी है ये तो पुलिस ही जाने, लेकिन ये 100% की बात है कि पुलिस इस घटना के मुख्य सूत्रधार तक पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कहाँ थे प्रशासनिक अधिकारी? बाईसी के खपड़ा पंचायत के मझुआ गांव में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नदारद रहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हनुमंती देवी नाम। ये कौन सा जगह है? सर मझुआ नामतपुर। अच्छा, ये बताइए जो आग पीछे जला हुआ बहुत सारा सामान, ये आग कब लगी थी? 11 बजे रात में लगा। कौन लगाया था? रिजवी लगाया, इलियाज लगाया, सखीर लगाया। आखिर क्यों लगाया? हम लोग से कोई, उन लोग से कोई दुश्मनी नहीं है ना, उन लोग का जमीन जगह में हम लोग हैं, हम लोग अपना जमीन में है, हम लोग का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। उन लोग यहाँ करता है कि बोले मुसलमान का बगल में हिंदू को रहने नहीं देंगे, हरिजन ऐसा कहा था आपको? हाँ, हरिजन को बोले जला उला करके मार करके फेंकेंगे बोले। पहले भी दो बार जलाया, वो भी थाना वाला इंसाफ नहीं किया। जला है पाँच गो बकरी जला है, एक गो बच्चा भी आगे हजम है, बच्चा नहीं मिल। बच्चा हजम मतलब बच्चा कर दिया, अभी नहीं मिल रहा है। ये आदमी को आ करके मार करके मर्डर कर दिया, तो उसको हॉस्पिटल ले चल गया, सदर उसको लेकर के चल गया, मर गया चौकीदार मर गया, तो उसको ले चल गया। आखिर घटना के वक्त वहां के SDO, CO, BDO आदि प्रशासनिक अधिकारी कहां थे? घटना की सूचना मिलने के बावजूद रात में मझुआ गांव क्यों नहीं पहुंचे? ये जांच का विषय है। पुलिस या जांच एजेंसी इन बिंदुओं पर जांच करे तो घटना के रहस्यों से परत दर परत पर्दा उठ सकता है। आपके पतिदेव मरे हैं, कई बजे घटना हुआ था? 11 बजे रात को। कितने आदमी था? 3-4 हजार। 3-4 हजार आदमी था। और आप लोग सोए हुए थे? नहीं, जागे हुए। अच्छा, और आपका पति कैसे डेथ किए हैं? मरा है। कैसे मरा है? तलवार से। तलवार से वार किया गया था? किचन देवी आपके ससुर जी को मार लगा था जो कि मर गए। अच्छा, कई बजे आए थे आग लगाने के लिए, मारने के लिए? 11 बजे रात को आए थे। जी, से है नेवालाल राय जी क्यों? 3 पुत्र 1 पुत्री। सबका शादी हो चुका है? जी सर, सबका शादी हो चुका है। अच्छा, और उनकी पत्नी? उनकी पत्नी एक पूर्व में मर चुकी थी, दूसरा शादी किया था जी, अभी है यहाँ पे।